क्या अमित शाह और योगी में कुछ चल रहा है? मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी से योगी को कौन रोक रहा है? क्या योगी और केंद्र के बीच फिर से ठन गई? क्या योगी आदित्यनाथ का हाथ बांधा गया है? क्या लखीमपुर की घटना के बाद बीजेपी में फिर से भूचाल आ गया है? क्या योगी आदित्यनाथ को कोई काम करने से रोक रहा है? सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है वो संकेत ठीक नहीं देते। चुनाव से पहले एक वक्त ऐसा लगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अलग अलग मंचों से हाल में तारीफ भी की, लेकिन ऐन वक्त पर क्या कोई सियासी पासा ठीक नहीं बैठा? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ रविवार को ही अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी चाहते थे, यानी घटना वाले दिन ही। इसके लिए पूरी तैयारी भी थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़ी मेहनत से अपराध मुक्त वाली छवि बना पाए हैं। वो एक झटके में गंवाना नहीं चाहेंगे। वो टेनी और आशीष मिश्रा की वजह से उसे खो नहीं सकते। इधर योगी आदित्यनाथ रविवार को गिरफ्तारी का मन बना चुके थे, तो उसके 3 दिन बाद ही बुधवार को अमित शाह की मुलाकात अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे हुई। फिर क्या बात हुई वो भी सूत्र बताते हैं, लेकिन पहले आप जानिए वो दाव पेच जो योगी और केंद्र में दोबारा शुरू हो गया। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद केंद्र से योगी को कोई मदद नहीं मिली। उल्टा पैरा मिलिट्री फोर्स मांगने पर गृह मंत्रालय ने बिल थमा दिया। योगी आदित्यनाथ को क्या मामले को देखने के लिए अकेला छोड़ा गया? योगी आदित्यनाथ के सामने क्या मजबूरी है कि वो मंत्री के लड़के को गिरफ्तार नहीं करवा पाए? योगी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा, उनकी पुलिस बुलाए कि प्लीज गिरफ्तारी दे दीजिए। क्या दिल्ली में मुलाकात के बाद लखीमपुर खीरी के सारे समीकरण बदल गए हैं? जिस बात पर कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा भी है, खबर तो ये तक है कि जिस फ्लाइट से राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे, उसी फ्लाइट में कोई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता बैठा था। कहा तो ये तक जा रहा है कि उसी नेता के कहने पर दिल्ली से एक फोन आया और कहा गया कि प्रियंका की रिहाई के साथ विपक्ष को लखीमपुर जाने का मौका देना चाहिए, और जिसके बाद योगी सरकार की तुरंत ही आनन फानन में एक बैठक हुई और कुछ देर चली बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया। तो क्या बैठक दिल्ली के फोन के बाद बुलाई गई थी? तो वो नेता कौन था, फोन किसका था? क्या योगी के काम में एक दो नहीं बल्कि करीब 6 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनकी दखलंदाजी पूरी है? लखीमपुर की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया में कुछ भी नहीं बोला, बल्कि रात तकरीबन 12 बजे योगी ने एक बयान जारी करवाया। जब जब योगी पे संकट आता है तब तब वो अपना दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंच जाते हैं। इससे विषय की गंभीरता को समझा जा सकता है। इसके 2 उदाहरण हैं। जब कोरोना का विकराल रुख था तब योगी बंगाल का चुनावी दौरा छोड़ वापस आ गए थे। ठीक ऐसा ही रविवार के दिन हुआ जब योगी गोरखपुर में थे और खबर मिलते ही सब काम छोड़ वो लखनऊ आए और देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक पर बैठक करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने मठ के 2 भरोसेमंद व्यक्तियों को लखीमपुर खीरी घटना पर लगाया था, जो लगातार राकेश टिकैत के संपर्क में थे। तो सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या कोई ऐसी बात थी जिससे योगी को भी डर था? यूपी की 2 घटनाओं ने मन में प्रश्न खड़ा कर दिया और तीसरी घटना ने उस प्रश्न का जवाब दे दिया। पहली घटना गोरखपुर की, दूसरी लखीमपुर खीरी की, जबकि इन दोनों बड़ी घटनाओं में से एक और बड़ी घटना थी, वो थी महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की। तीनों घटनाओं में आपने क्या देखा? नरेंद्र गिरी मामले में योगी का एक्शन, आरोपी तत्काल गिरफ्तार हो गए, जबकि उसमें भी आरोपी हाई प्रोफाइल थे। गोरखपुर में संसद के दामाद एसएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। जब एक मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया तो बाकी दोनों मामलों में किसी का कोई दखल था? ये प्रश्न जिसका जवाब शायद अभी नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।